नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। रुड़की के दक्षिण कालीपीठ मंदिर के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने कहा है कि पंचांग हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें व्रत पर्व त्योहारों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य पंडित रमेश सेम्बाल द्वारा लिखे श्री देव भूमि पंचांग का विमोचन करते हुए महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने कहा कि पंचांग के द्वारा हमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त होने के साथ ही ग्रहण कब होगा, नव संवत्सर कब प्रारंभ होगा आदि की महत्वपूर्ण जानकारी पंचांग के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हमारी हिंदू संस्कृति में पंचांग का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व है और सदियों से हमें सही व सटीक जानकारी पंचांग के माध्यम से ही मिलती रही है। उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण पंचांग है और देवभूमि पंचांग पंडित रमेश सेम्बाल जी जोशाचार्य जी ने कई वर्षों से, मुझे लगता है कई दशक से, इस पंचांग को निकाल रहे हैं। इस पंचांग में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सब स्पष्टता से दिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई जो आध्यात्मिक क्षति है उसको छुपाया नहीं गया, छापा गया है, जिससे कि कोई भी हमारा जो व्रत त्यौहार होता है वो कई प्रकार के हो जाते हैं। पता लगा दिवाली 2 दिन के हो गए, नवमी रामनवमी 2 दिन की हो गई, राम जन्म 2 दिन की हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की हो गई, महाशिवरात्रि 2 दिन की हो गई, हनुमान जयंती कोई किस त्यौहार में या किस तिथि में मनाते हैं। मुझे लगता है पंचांगों के द्वारा इसका निरूपण होना अति अनिवार्य है देश के लिए और समाज के लिए। श्री देवभूमि पंचांग के पिछले 20 सालों से लगातार प्रकाशन होने पर उन्होंने आचार्य सेम्बाल को अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आचार्य पंडित सेम्बाल द्वारा शॉल उड़ाकर एवं फूलमाला पहनाकर महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज का सम्मान किया गया। पंचांग विमोचन के अवसर पर मेयर गौरव गोयल, ओम प्रकाश जगदम्बनी, रविन्द्र बेलवाल, मनोज वर्मा, विकास शर्मा, धर्मवीर शर्मा, अंकित शर्मा आदि के साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। एआरआई न्यूज के लिए अर्चना सैनी की रिपोर्ट।